रुड़की के कलियर दरगाह में नोटों की गिनती अब हफ्ते में दो बार होगी। प्रशासन ने सप्ताह के ये दो दिन फिक्स कर दिए हैं। अभी तक दरगाह की गुल्लकों से 40 लाख रुपए की गिनती हो चुकी है, जबकि अभी 30 गुल्लकों से अधिक की गिनती बाकी है। सभी गुल्लकों की गिनती का जिम्मा तहसील प्रशासन को सौंपा गया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। आलम यह है कि लोहे की गुल्लकों में पानी अंदर जाने से 100-100 और 500 के नोट खराब निकल रहे हैं, जो पूरी तरह से गल चुके हैं, जिसका दरगाह को काफी नुकसान हो रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की मयूर दीक्षित ने दान पात्रों की गिनती के लिए बृहस्पतिवार और शनिवार का दिन निर्धारित कर दिया है। 9वीं गोलक है भाई, ठीक है, और इसमें आज जो है ना 4,10,000 रुपए की काउंटिंग हो चुकी है अब तक। तहसील का स्टाफ लेखपाल और अमीर संघ लगाया गया है और उसमें नोट खराब निकलता है, और जो स्टील वाली गोलक है उसमें कोई नोट खराब नहीं है। ये लोहे वाली गोलक जो है ना चेंज कराने की जरूरत है। वीडियोग्राफी जब भी गोलक खुलती है उसकी टोटल वीडियोग्राफी होती है प्रतिदिन, जब भी गोलक खुलती है। अब तक लगभग आज को मिलाया कि अभी काउंटिंग पूरी होने 40 लाख के लगभग अवॉर्ड कर दिया। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान।